नमस्कार दोस्तों, देश के तीन नामी गिरामी पहलवान पिछले कई दिनों से जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, इनके आरोपों के बारे में बहुत सी खबरें आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन जो चीज शायद आप नहीं जानते वो ये है कि बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक का खेल में ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, कितने मेडल इन्होंने जीते हैं और इनकी देश के लिए कुल उपलब्धियां क्या हैं। ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया का करियर अब लगभग खत्म हो चुका है, इसलिए ये विरोध कर रहे हैं और इनका ये एजेंडा पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। ऐसे में हम सबका ये जानना जरूरी है कि तीनों पहलवानों की उपलब्धियां क्या हैं और अभी इनमें कितनी संभावनाएं बची हुई हैं खेल में। ये जानने के बाद शायद आप तय कर पाएं कि पहलवान जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा इस पूरी जानकारी से आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और बच्चों को भी ये वीडियो दिखाइएगा ताकि उन्हें भी खेल के बारे में पता चले, क्योंकि इन तीनों पहलवानों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस चैंपियनशिप में ये मेडल जीते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है और उस मेडल का महत्व क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने का मतलब है आप करोड़ों अरबों लोगों में से अकेले हैं जिसने वो मेडल जीता है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बजरंग पूनिया से। बजरंग पूनिया ऐसे अकेले पुरुष पहलवान हैं जिन्होंने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं। जी हाँ, 4 मेडल जीते हैं और कुल 23 मेडल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये जीत चुके हैं और इन 23 मेडल में से एक मेडल ओलंपिक का मेडल है, ब्रॉन्ज मेडल, जो पिछली बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ओलंपिक में मेडल जीतना बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, क्योंकि जब भी कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में एंट्री करता है, खेल की शुरुआत करता है, उसका अंतिम लक्ष्य होता है ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतना या फिर कोई मेडल जीतना। तो चलिए 23 मेडल कौन कौन से जीते हैं पहले ये देख लेते हैं, फिर आपको विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की खेल की उपलब्धियां भी दिखाएंगे। बजरंग पूनिया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 23 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें से 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हैं। बजरंग पूनिया की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने की शुरुआत हुई 2013 के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप से। यहाँ इन्होंने 60 किलोग्राम वेट की कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसी साल बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। इसके बाद बजरंग पूनिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बजरंग पूनिया ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल जीते हैं, जिनमें से 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल है। बजरंग पूनिया टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम में बजरंग पूनिया 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मेडल जीता है। एशियन गेम में बजरंग पूनिया ने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता है। इसके अलावा बजरंग पूनिया ने अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता है। इसके साथ ही बजरंग पूनिया कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। बजरंग पूनिया एशियन चैंपियनशिप में 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। बजरंग पूनिया एशियन इंडोर एंड मार्शल आर्ट गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने बोलेट्रुकिनोव कप में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था। बजरंग पूनिया की इन सफलताओं में एक सफलता ये भी है कि 2021 में ये वर्ल्ड के नंबर 1 खिलाड़ी बने 65 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में। तो देखा दोस्तों आपने, बजरंग पूनिया ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है और 2022 में ही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मतलब ये खिलाड़ी अभी फुल फॉर्म में है और बजरंग पूनिया के अगले ओलंपिक में भी मेडल जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ ये कहना कि इनका करियर समाप्ति की ओर है, ये निहायत ही गलत है। इसी तरह अब आप विनेश फोगाट का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, फिर आप तय कर पाएंगे कि इस खिलाड़ी में कितनी संभावनाएं बची हुई हैं। ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो विनेश फोगाट पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसने कॉमनवेल्थ गेम और एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है। जी हाँ, दोनों गेम्स में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता है और पहली ऐसी महिला खिलाड़ी है जिसने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2 मेडल जीते हैं। जी हाँ, 2 मेडल जीत चुकी हैं विनेश फोगाट। जहां तक कुल मेडल की बात है तो विनेश फोगाट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 15 मेडल जीत चुकी हैं, जिसमें से 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये मेडल किस किस अंतरराष्ट्रीय स्पर्धा में जीते हैं पहले ये देख लीजिए, फिर आपको बताएंगे कि अंतिम गोल्ड मेडल और अंतिम मेडल कहां जीता था। विनेश फोगाट की सफलताओं पर नजर डालें तो इन्होंने अब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर
कुल 15 मेडल जीते हैं, जिनमें 5 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। विनेश फोगाट ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने की शुरुआत एशियन चैंपियनशिप में 2013 में की थी, जहां इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली ये अकेली महिला पहलवान है। इन्होंने 2019 में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में और 2022 में बेला ग्रेड्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता वर्ल्ड चैंपियनशिप में। कॉमनवेल्थ गेम में 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं विनेश फोगाट, 2014 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में, 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम में और 2022 के बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम में। मतलब इन्होंने लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं, 2014 में 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, 2018 में 50 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और 2022 में 53 किलोग्राम की वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इसी तरह एशियन चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने 1 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। इन्होंने 2013 में ही यूथ रेसलिंग चैंपियनशिप में भी सिल्वर मेडल जीता था। इस तरह इन्होंने कुल 15 अंतर्राष्ट्रीय मेडल अभी तक जीते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कुल 15 मेडल जीत चुके हैं विनेश फोगाट और अंतिम गोल्ड मेडल इन्होंने 2022 में कॉमनवेल्थ गेम में जीता था और 2022 में ही वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इस तरह ये खिलाड़ी भी पूरी फॉर्म में हैं और अगले ओलंपिक में मेडल जीतने की पूरी संभावनाएं हैं। यहाँ आपको विनेश फोगाट के बारे में एक बात और बता दूं, विनेश फोगाट ने अपने इंटरव्यू में कहा था अभी धरने पर ही, यदि उन्हें कोई कहे कि मरने के बाद ओलंपिक में गोल्ड मिलेगा तो वो इसके लिए भी तैयार है। मतलब इतना जुनून है उनमें ओलंपिक में मेडल जीतने का। तो ऐसे में उनके करियर की संभावनाएं अभी बची हुई है। अब बात करते हैं तीसरी खिलाड़ी साक्षी मलिक के बारे में। साक्षी मलिक वो पहली महिला पहलवान है जिसने किसी भी ओलंपिक में महिला कुश्ती में पहला मेडल जीता। 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था 65 किलोग्राम की कुश्ती के इवेंट में। साक्षी मलिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जूनियर और सीनियर चैंपियनशिप में टोटल 13 मेडल जीत चुकी हैं, जिनमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये मेडल किस किस प्रतिस्पर्धा में जीते हैं पहले ये देख लीजिए। साक्षी मलिक की मेडल टैली देखें तो सबसे पहले बात करेंगे रियो ओलंपिक की, जहां पर ये पहली महिला पहलवान थी जिन्होंने किसी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता। साक्षी मलिक ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने की शुरुआत की एशियन जूनियर चैंपियनशिप से। 2009 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने 2010 में ब्रॉन्ज मेडल जीता 59 किलोग्राम वेट कैटेगरी में और 2012 में एशियन जूनियर चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 63 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। साक्षी मलिक एशियन चैंपियनशिप में 3 ब्रॉन्ज और 1 सिल्वर मेडल जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। कॉमनवेल्थ गेम में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। इस तरह ये कुल 13 मेडल जीत चुकी हैं, जिसमें से 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो देखा दोस्तों आपने, साक्षी मलिक ने भी 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड मेडल जीता है 65 किलोग्राम की कैटेगरी में। तो इस तरह से इस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस भी बेहतरीन रही है। ऐसे में ये कहना कि तीनों खिलाड़ियों का करियर समाप्ति की ओर है, ये इनके साथ ज्यादती है। अब सोचने वाली बात यह है कि विनेश फोगाट और साक्षी मलिक चूंकि महिला पहलवान है, वो जो आरोप लगा रही है उसके लिए लोग कह सकते हैं कि वो महिला पहलवान है, लेकिन बजरंग पूनिया इनके साथ है ये बड़ी बात है, क्योंकि वो पुरुष पहलवान है और उनके ऊपर ऐसे उत्पीड़न के कोई आरोप नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है वो बहन बेटियों के लिए यहाँ धरना दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो, क्योंकि वो एक खिलाड़ी है और फेडरेशन के बारे में गहरी जानकारी रखते हैं, अंदर तक की जानकारी है। इसीलिए वो भी महिला पहलवानों के साथ आरोप लगा रहे हैं और उनका कहना है कि इन आरोप की ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए। यहाँ एक और मजेदार बात है कि पॉक्सो एक्ट के तहत यदि किसी साधारण इंसान पर इल्जाम लगता है तो ज्यादातर केस में तुरंत गिरफ्तारी करती है पुलिस, लेकिन यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, पुलिस अभी जाँच कर रही है। अब ऐसे में तय आप कीजिए कि निष्पक्ष जांच की कितनी संभावनाएं हैं और पहलवानों को कितना न्याय मिलने की उम्मीद है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमें उम्मीद है आपको पहलवानों के करियर के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। नमस्कार, जय हिंद।